How are you feeling, man? कहीं नहीं यार, देखा बाहर आके भाइयों ने जान खूब रखी थी, पूरी जान लगा रखी थी भाई। एक तरफा जिताते तुझे, वो तो तेना निकाल पाए, देख ले कैसे तेरे को उससे निकाला। जब आओगे मिलोगे तो मैं बातें शेयर करूंगा काफी। सिक्का है वहां से? नहीं सिक्का है, इस वीडियो में आप बताने वाले हैं कि युलवेश यादव लव कतारिया ये विक्षण पर क्या कहना और बहुत ज्यादा एंग्री है। तो चलो आप लोग कतारिया के फैन हो तो मेरा वीडियो जरूर देखना। अलवेज कतारिया को बोलते नजर आ रहा है कि वोटों से नहीं निकाल पाया तो क्या करके ये लोगों ने निकाला। तो दरअसल क्या है ना कि कतारिया पहुंचते हैं होटल में तो अलवेज ने ना वीडियो कॉल कर देता है। तो इसमें बताते नजर आते हैं कि यहाँ पर जो मेरे साथ हुआ ना, मुझे पता है, मैंने बाहर आकर देखा कि तुम लोगों ने क्या धमाका फूक रखी है। तो अलवेश यादव ने बोला कि मैंने देखो कैसे जान फूक रखी थी, किसी भी कीमत में तुम्हें नहीं हरा सकते थे अगर वोटिंग के ट्रू होता तो, पर किस तरह से निकाला गया वो तुम आके देख लो। तो कटारिया बोला हाँ मैं देख रहा हूँ, पर कुछ ऐसे सवाल पूछ लेते हैं अलवेश यादव की, तो तुम अंदर जाकर मैच्योर हो गए हो ना? तो बोला हाँ यार, कुछ सीख कर आया हूँ, मैच्योर भी हो गया हूँ, सारी बातें बताऊंगा, अभी होटल में हूँ। वो जैसे ही बाहर आएंगे तो वो काफी सारे खुलासा करने वाले हैं, उनके साथ बहुत ही अनफेयर हुआ है, वो मीडिया के सामने रखने वाले हैं। अभी क्या है ना, अभी कतारिया किस लिए नहीं बता रहा है क्योंकि अभी सेक्शन रहता है, जब तक एपिसोड टेलीकास्ट नहीं किया जाता है तब तक आप इंस्टा पे या यूट्यूब पर कहीं पर भी कुछ नहीं बोल सकते हो कि ये बिग बॉस रूल के खिलाफ है, ना ही पब्लिक पे बोल सकते हो ना ही सोशल मीडिया में। ये मेकर्स की तरफ से ऐसा रहता है, बिग बॉस की तरफ से ये रहता है। तो ये तो बाहर आ चुके हैं, इसके साथ साथ ट्रॉफी के वे व्हील है जो आप लोगों ने देखा है, ट्रॉफी है, देखो कितना गलत किया गया, जब इनको दिखा कर ही इनको बाहर कर दिया गया चिढ़ाकर। यार जैसे इलिमिनेशन होता है उसको ट्रॉफी दिखाया जाता है अरमान को एन कटारिया को, तो दोनों का इलिमिनेशन हो जाती है। और एक बात बता दूं, जैसे ही इलिमिनेशन हो जाता है वैसे ही ये लोग केक कट करते हैं टॉप फाइव लोगों के लिए। थोड़ा शर्म कर लो यार, ये लोग ना दो ऐसे कंटेंशन को लेकर बैठे हैं जो कुछ काम ही नहीं है। जैसे कि मैं आप लोगों को दो कंटेंशन बता दूं कि कौन है, एक साई केतन, दूसरा है कीर्तिका मल्ली। ये दोनों को तो रखना ही नहीं चाहिए था, अरमान और कतारिया रहता तो ठीक है, बट ये दोनों का कोई काम नहीं है, पर ये दोनों को रखा हुआ है। जैसा लग रहा है कि ये दोनों ने एक बहुत काम कर दिया, जिसके वजह से शो चला है उसी को ये लोग बायकट कर दिया है। विशाल शिवानी ये लोग रहता तो केक लाते तो अच्छा लगता, पर ये लोग को बाहर करके केक कट करे तो इसका क्या मतलब है। मेन मकसद है कतारिया को बाहर करना है और इसका जो ग्रुप था तोड़ना था, जहां से वो लोग पैसा कमा रहा है, टीआरपी बटोर रहे हैं, फायदा हो गया, बस उसको निकाल दिया गया। तो इस बार का बिग बॉस का पूरा स्क्रिप्टेड है, बिल्कुल भी रियल नहीं है। तो अभी कटारिया बहुत ही ज्यादा खुलासा करने वाला है, बस आप लोगों को कुछ देर वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कटारिया के साथ अनफेयर हुआ ये तो सभी को पता है, जो कटारिया बताएगा, तो देखते हैं आगे क्या होता है। गाइस अभी तक तो इतना ही, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।